ब्यास नदी ने मंडी में किस कदर तबाही मचाई है ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम मंडी बाजार के साथ लगते हनुमान मंदिर के पास हैं। हनुमान मंदिर भी ब्यास नदी की चपेट में आ चुका है। आप देख सकते हैं ये सारा रास्ता जो है ये नया रास्ता ब्यास नदी ने बनाया है और मंदिर जो है वो ब्यास नदी की चपेट में आ चुका है। हालांकि अगर मंदिर की बात करें तो बाल बांका नहीं हुआ है, साइड की जो दीवारें थी वो गिर गई हैं, मंदिर वैसे का वैसा बीच में सुरक्षित खड़ा है। अब बात कर लेते हैं उन घरों की। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जिनमें जो घर है उनके अंदर ब्यास का पानी जा रहा है, गेट बंद है और घर वाले यहाँ से बाहर निकाल दिए गए हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया है। किसी तरह की कोई जानमाल की हानि यहाँ पर नहीं हुई है, हालांकि नुकसान जो है वो लोगों का ज़रूर हुआ है। ऐसे में आप ये देख सकते हैं जो लोगों ने अपने यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई थी उतरने के लिए वो सीढ़ियाँ भी टूट चुकी हैं। ये बिजली की तार आप देख सकते हैं, ये बिजली की तार भी टूट चुकी है। पीने के पानी की पाइपें आप देख सकते हैं ये टूटी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइटें थी वो भी यहाँ से पानी अपने साथ जो है वो बहा कर ले गया है। इस वक्त हमारे साथ मंडी से स्थानीय मिंटू ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि मिंटू जी स्वागत है आपका खबर विभाग में। आप चैनल वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने इतनी बड़ी आपदा के बावजूद भी आप यहां आए और यहां का आपने मुआयना किया, निरीक्षण किया, तो इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो क्या कब ये कैसे सारा जो मंजर था ये क्या मंजर था और कैसे हुआ, ये कब पता चला कि एकदम से बाढ़ आ गई और क्या क्या नुकसान यहाँ पर हुआ? ये कल घरों के अंदर जो पानी कल 2 बजे के बाद ही घुसा, 2 बजे से पहले इतना पानी नहीं था। 2 बजे के बाद जब पानी का भाव आया तो इस घर के अंदर पूरा पानी भर गया और इनका तो सारा अपना जो रोज़मर्रा का खाना पीना बिस्तर और जो भी इनका अपना कपड़ा जो था सब इसमें समा गया। उसमें अंदर रेत सिल्ट भरा हुआ सारा, इसमें मेरे ख्याल से लगता है मुझे कि 5-5 फुट जो रेत बैठा हुआ है। और बाकी यहाँ हमारे चीफ इंजीनियर केसी ठाकुर जी हैं, उनके घर के अंदर भी पानी का पूरा निचली वाली फ्लोर जो पूरी खराब हो चुकी है उसके अंदर पूरा पानी है। उसके साथ जीडी ठाकुर है, उनके घर के भी अंदर पानी आया हुआ है। इसके बाद हमारे एक यहाँ स्थानीय डिपो है, इसके फ्लोर भी उसमें पानी आ चुका है, तो 3-4 घरों के लिए बहुत डैमेज है। सबसे ज़्यादा हमारे डॉक्टर तेज सिंह ठाकुर जी के घर का नुकसान हुआ है। बाकी तो वैसा लग रहा है कि अभी रात को जैसे पानी का ज़्यादा बहाव होता है और फिर उसके बाद पानी थोड़ा कम हो गया था, उसके बाद आज सुबह फिर 2 बजे के बाद जो हमारा ये ब्यास का रुद्र रूप देखने को मिला। तो लगता नहीं कि जो भवन है, जो ये जो बिल्डिंगें हैं, इन बिल्डिंगों को नुकसान हो सकता है क्योंकि लगातार बहाव जो है नदी का वो तेज़ होता जा रहा है और इस बिल्डिंग को खतरा है, या बिल्डिंग में कोई है या निकाल दिए गए? सर नहीं, यहाँ से तो सारे निकाल दिए। प्रशासन ने भी अलर्ट किया था रात को, प्रशासन ने कहा कि आप सुरक्षित स्थान पर चला जाए या अब हमारे यहाँ जो प्रशासन की तरफ से टाउन हॉल है उसके लिए लोगों को उन्होंने कन्विंस किया कि वहाँ आप आ जाए, तो मैक्सिमम लोग यहाँ से चला गए हैं अपने घर को, मतलब सुबह देखभाल करके फिर आज फिर चला गए हैं घर, तो जो इनके गांव में भी घर हैं। बाकी तो अब पानी का तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पानी आग पानी से तो वैसे भी कोई रिस्क नहीं लेता है। तो मंदिर की बात करें तो मंदिर सुरक्षित है? मंदिर सुरक्षित है जी, मंदिर का जो पुल था वो ढह गया कल, तो इसमें भी लोग बोल रहे थे कि सोलीखट का पुल रहता, पर नहीं वो पुल नहीं है, ये मंदिर का पुल है। तो उसके बावजूद हमारे मेरा भी यहाँ साथ में घर है, तो मेरे भाई जी गगन ठाकुर जी बिजली बोर्ड में एक्शन है, तो उनके निचली मंजिल में भी पानी आ पहुंच चुका है। तो अभी इससे प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन कितना मुस्तैद है, प्रशासन की त्वरित कार्रवाई क्या हुई जब ये सारा मंजर यहाँ देखने को मिला और लोगों के घरों में पानी घुस गया, ये सब कब देखने को मिला? थोड़ी सी हमें लग रहा है कि प्रशासन की ढील रही है, जो हमारे यहाँ के DC साहब हैं तो उनकी तरफ से मुझे लग रहा नहीं कि किसी लोगों को उन्होंने ऐसे कुछ तत्काल सहायता या तत्काल उनको मुआयने पर आए। हमारे जरूर जो हमारे स्थानीय प्रत्याशी थे श्रीमती चंपा ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने सबसे पहले यहाँ मुआयना किया और लोगों को थोड़ा सा उन्होंने अपने बारे में ये बताया कि अपना थोड़ा सुरक्षित जगह पे चला जाए, 2-3 दिन के लिए यहाँ खतरा बना हुआ है। तो चंपा ठाकुर जी हमारे कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्होंने पूरा मुआयना किया और हम लोगों को भी उन्होंने सुझाव दिया कि आप अपना सुरक्षित स्थान पर चला जाए, यही था उनका। क्या लगता है ये मंडी में पहली बार हुआ है ऐसा रुद्र रूप ब्यास का? हाँ, 25 साल पहले था, ऐसा नहीं था, इतना था, पर अब की बार जो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि 25 साल पहले ब्यास नदी ने अपना रुद्र रूप दिखाया था, लेकिन अब उसके बाद ये जो रुद्र रूप है ये 2023 में देखने को मिला है, जिसने कई लोगों को घर से बेघर कर दिया है। मंडी से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।